हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल। सो मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं यूनिक स्पेलिंग मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आप सबके माइंड में आता होगा कि यार स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होता है। अब स्ट्रक्चर की सीरीज फिर से स्टार्ट कर दी है, सो टेंशन मत लो, कंप्लीट होगा। टाइम कम मिल पा रहा था, इसकी वजह से कम इंटरेक्शन हो पा रहा था, बट आज संडे था तो मैं आज कई लेक्चर्स रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लूंगा बाय डिफॉल्ट। चलिए जी, तो आपको स्ट्रक्चर एलिमेंट क्या होता है? ये हाथ क्या है? ये हाथ क्या है? ये जो सिर है ये क्या है? ये पैर क्या है? दीज आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स। और द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स लाइक बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है जी, उन सबको मिला के, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब का जो एक असेंबलीज होती है उसको मिला के क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। तो वो सारे के सारे क्या हुए? उसके एलिमेंट्स हुए। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट कोई बोलता है तो क्या बात कर रहा है वो समझ जाना। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब वो बोलना चाह रहा है बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब के बारे में बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 6 से 7 बना दिए हैं। कृपया उसको प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट देख लो एक बार स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बारे में। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अब हम लोग थोड़ा मूव ऑन करते हैं। स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर होता क्या है? आप बोलोगे सर आपने अभी अभी तो बताया द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इतना ही स्ट्रक्चर है? मतलब ही तो हो गया, कहीं पे भी हम एक बीम कुछ भी साइज का रख दें, कॉलम भी कई साइज का रख दें, फुटिंग भी कोई भी साइज का दे दें, हो गया स्ट्रक्चर तैयार हो गया? नहीं जी। ठीक है, अच्छी बॉडी किसको बोलेंगे? जिसका अच्छा बाइसेप हो, अपना नहीं है, जिसका अच्छा क्या बोलते हैं फेस हो, जिसके अच्छे हेयर्स हो, सब कुछ मिला के एलिमेंट्स हो तो क्या हो जाएगा? वो एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा, अच्छी बॉडी होगी, राइट? तो इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को, अगर वो है तब जाके वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना पड़ता है स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्चर मस्ट टू सेटिस्फाइड द स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारी बॉडी बॉडी नहीं है एक तरीके से, वो सिर्फ क्या है? एक तरीके से लाश है कि कोई नमी नहीं है, पड़ा पड़ा है। कहते ना आलसी इंसान है, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है उसके अंदर? उनको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है तो स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए? स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा, स्ट्रक्चर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर स्ट्रक्चर आपको बोलना है कि स्ट्रक्चर मेरा स्टेबल स्ट्रक्चर है तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? इक्विलिब्रियम का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने शियर फोर्स निकाला था, क्या किया था शियर फोर्स में? जो आप मैकेनिक्स में पढ़े थे ना फोर्स, उसके बाद सोम में आपने क्या किया? शियर फोर्स निकालना सीखा। क्या किया था? आप इक्विलिब्रियम ही तो काउंट कर रहे थे कि इधर से पॉजिटिव फोर्स कितना है और निगेटिव फोर्स कितना है। ओके ओके रहेगा क्या? बेंडिंग मोमेंट में करते क्या था? कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव मोमेंट आ रहा है, यही तो कैलकुलेट करते थे। ठीक है, टॉर्जन में करते क्या है? कितना टॉर्जन आ रहा है, वो क्या इक्विलिब्रियम ही चेक करने के लिए तो कर रहे हैं। तो मस्ट सेटिस्फाई द स्ट्रेंथ एंड इक्विलिब्रियम। क्या स्ट्रेंथ और इक्विलिब्रियम है तो वो स्ट्रक्चर है? नहीं, कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब मैंने बताया था अभी सेकंड वीडियो में आपने देखना, तो बताया था मैंने कि जो कॉलम का साइज है, बीम का साइज उससे कम है, उसके बराबर हो बीम का विड्थ। क्यों? अगर बीम का विड्थ ज्यादा हो जाएगा और कॉलम का विड्थ कम रहेगा तो बीम सही तरीके से कंपेटिबल नहीं हो पाएगा कॉलम पे, और जब कंपेटिबल नहीं हो पाएगा तो लोड सही से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, लोड सही से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो उसपे क्या होगी? इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए जी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर का कहना है कंपेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसके बाद और क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर? इसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर स्टिफनेस भी होनी चाहिए। स्टिफनेस क्या होती है भाई? स्टिफनेस मतलब अगर कोई हमारे, मेरा सपोज ये हाथ है, ये बीम है, क्या है? बीम है, तो बीम ऐसे होनी भी चाहिए, मतलब रह पाए बीम, या नहीं तो ऐसे हो गई, टल्ट हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है जी, तो हमारे अंदर एक कठोरता होनी चाहिए, स्टिफनेस होनी चाहिए हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ठीक है जी, तो स्टिफनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। लोग बॉडी इंजेक्शन इंजेक्शन लगा के बना लेते हैं ना, लेकिन फिर क्या होता है? एक महीने की वजह से जो इंजेक्शन होता है उसका जब इफेक्ट खत्म होता है तो क्या होता है?
बॉडी का ग्लो खत्म हो गया, क्या क्या हो जाता है राइट, तरह तरह की बीमारियां हो जाती लोगों को जो स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं, पता नहीं जो भी करता होगा, बुरा मत मानना यार जो भी रहेगा। तो अब मतलब क्या हुआ, उस बॉडी में ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो बॉडी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकती है। रनिंग करने के बोल दोगे हाफ जाएंगे, लेकिन अगर आपने नेचुरल अच्छे तरीके से उसका स्ट्रेंथ चेक करके ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया है, मतलब 50 ईयर्स 100 ईयर की स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, तो वो है एक्चुअल स्ट्रक्चर। वो क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड मस्ट सेटिस्फाइड द स्ट्रेंथ स्टिफनेस कंपेटिबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर ये है तो वो क्या है, स्ट्रक्चर है। वो क्या है, स्ट्रक्चर है। मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आपको यहां पे भी टीच कर रहा हूं राइट, कहां पे टीच कर रहा हूं, मैं अपने क्लासरूम में कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, मतलब मेरा जो स्टूडियो है क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है मेरे लिए। मेरे स्टूडियो आपके वीडियो के लिए क्या है, स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इंसानों के रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक अपार्टमेंट, एक छोटे छोटे प्लान हम लोग करके देते हैं। क्या है वो एक स्ट्रक्चर है। तो क्या है वो स्ट्रक्चर, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। चलिए जी, तो आपको स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्लियर हो गया क्या, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के साथ, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। तो अब लोग कंफ्यूज रहते हैं यार, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या क्या है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर मुझे एक बार बता दो तो पढ़ना क्या है, मैं एकदम फाड़ दूंगा बड़े जोर जोर में। तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है कई सब्जेक्ट्स के। कौन कौन से सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है, जहां पर आप क्या करते थे, फोर्सेस कैलकुलेट करते थे, वहां से स्टार्ट होती है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो अगर आपको पढ़ना है पूरा रूप से तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स जाके पहले पढ़ो, ठीक है, सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जाके पढ़ो। इसके बाद स्ट्रक्चर जो हमने उसके लिए पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें क्या किया था, स्ट्रेंथ में देखा, चेक किया था, मेंबर देखा था, मेंबर के चेक किए थे, फोर्सेस कैलकुलेट किए थे, स्ट्रेस कैलकुलेट किया था कि कितना स्ट्रेस आएगा, वो सब क्या था, वो भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट है। तीसरा क्या पढ़ना होगा सर, अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो, पहला तो आपने मैकेनिक्स बता दिया, दूसरा बता दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा क्या पढ़ना होगा वो बता दीजिए, मैं पढ़ जाऊंगा। तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग RCC स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो RCC स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आपको जो चौथा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो पांचवा सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम पे जानते हैं। ये पांच सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं ना अगर कॉलेज में, तो आपको ये पूरा का पूरा जो मेरा सीरीज है, क्योंकि ये इन्हीं का मिक्सअप है, कुछ वहां से निकले कुछ वहां से कुछ वहां से, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पढ़ना है, आपके पास बुक्स है, तो आप उसको थोड़ी थोड़ी करके ओवरव्यू ले सकते हो। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होता है। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के बाद स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशंस है। क्लासिफिकेशन कैसे, आप देखते हो कि कभी लोग बोल देते हैं यार ये तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, कोई बोल देता है ये सेल स्ट्रक्चर है, कोई बोल देता है यार ये क्या है, ओके ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओके okay, मतलब तरह तरह के स्ट्रक्चर्स के नाम लेते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं बेस्ड ऑन उनके, लाइक उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स में अगर बताऊं तो, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा सॉलिड, जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, डैम देखा आपने, डैम देखा है, डैम जो होता है पूरा का पूरा क्या सॉलिड स्ट्रक्चर है। दूसरा आपने सुना होगा फ्रेम स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा सुना होगा, ये जिसमें मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें बीम और कॉलम का सेट हो उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके जी। इसके बाद होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के बाद कौन सा आपका आएगा, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग जो स्लैब बनाते हो ये क्या है, ये एक सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसमें कि पूरा का पूरा एकदम एक तरफ से पूरा फ्लैट हुआ है और उसमें लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या है, सब एग्जाम्पल्स हैं सेल स्ट्रक्चर के, ये सब क्या है, सेल स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद एक और सुना होगे आपने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्या सुना होगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी शादी हुई है, किसी की शादी में गए थे, वहां बड़े बड़े मंडप सजाए जाते हैं, बड़े बड़े मंडप सजाए जाते हैं, प्रवचन सुनने गए थे बाबा जी लोगों का, प्रवचन सुनने के लिए जो टेंट बड़े बड़े लगते हैं वो क्या रहते हैं, उसमें एक पुल्ली दूसरे पुल्ली से कनेक्टेड होती है, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, सब क्या है, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला ट्रांसफर करता है नीचे वाले, नीचे वाला ट्रांसफर करता है नीचे, तो सब क्या है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन मतलब होता है फैलना, ठीक है, वो क्या हो गया मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक और सुना होगा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कंपोजिट स्ट्रक्चर, क्या चल रहा है कंपोजिट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है,
कंपोजिट बीम कंपोजिट कॉलम अलग है, थोड़ा वेट करो उसको अलग बताऊंगा। कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब सेट होता है दो टाइप के स्ट्रक्चर का, मतलब स्टील स्ट्रक्चर भी यूज कर लिया है और आरसीसी स्ट्रक्चर भी यूज कर लिया है। स्टील की ब्रेसिंग्स यूज कर दिया है, आरसीसी का बीम कॉलम यूज कर दिया, तो क्या हो गया वो कंपोजिट स्ट्रक्चर है भाई। क्या है वो? कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर के। एक दिन मैं बेस्ड ऑन लोड्स भी कैलकुलेट कर बताऊंगा कि लोड्स के बेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा और अभी मैं जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज संडे है तो मैं आज ही भी कई वीडियो बना लूंगा, आपको सीरीज से मिलती जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ बीम और कॉलम ये सब देखने के बजाय सिर्फ बॉडी को देख लो, ये बॉडी ही क्या है, तो एक स्ट्रक्चर है और इसके हाथ कान गला ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होता है, ये हमको समझ में आ गया। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। इसके साथ ही साथ ये समझ में आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मिला के ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग को सोम भी पढ़ना है, मैकेनिक्स भी पढ़ना है, सबका जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है पूरा तो कवर नहीं हो सकता है, कम से कम 6 महीने का हो जाएगा फिर। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी आप तक ये सारी चीजें पहुंचाएं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने अगल बगल अगर आप सिविल इंजीनियर है तो उसी का सिनेरियो रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज लोग आपको फुल बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हिंट जो होता है ना, मतलब कहते हैं ना कि इशारे जो होते हैं वो समझदार के लिए बनाए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।